क्या आप जानते हैं एल भारतीय जीवन बीमा निगम का एक म्यूचुअल फंड भी है जी हाँ आप एल के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और यही नहीं आप एल म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से एक रेगुलर मंथली इनकम भी पा सकते हैं इस वीडियो में हम आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे नमस्कार मैं हूँ मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड जेड फंड जी हाँ वो ऐप जहाँ आप पाते हैं तीन फीचर्स पहला आप कर सकते हैं डेली एस जी हाँ आप जेड फंड ऐप पे दस फंड हाउसेस की पाँच सौ से भी ज़्यादा स्कीम्स में कर सकते हैं डेली एस आई इस ऐप का दूसरा फीचर है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स जी हाँ इन सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को कोलेट्रल रख कर आप ले सकते हैं लोन जेड फंड ऐप पे और ये लोन डिस्पर्स हो जाता है चार घंटे में जी हाँ लोन का पैसा आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में चार घंटे में जेड फंड ऐप का तीसरा फीचर है एक्सटर्नल पोर्टफोलियो जी हाँ आप जेड फंड्स ऐप पे देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो कहीं से भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स ये सारी इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं जेड फंडस ऐप पर अधिक जानकारी के लिए आज ही जेड फंड ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेट फंड एक्सपर्ट से एल यानी भारतीय जीवन बीमा निगम एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी चलाती है इस म्यूचुअल फंड हाउस का एयूएम तीस हजार करोड़ है जी हाँ एल म्यूचुअल फंड का एयूएम इज अबाउट थर्टी थाउजेंड करोड़ इस म्यूचुअल फंड हाउस में चौदह इक्विटी कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं पांच हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और नौ डेट कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं इस म्यूचुअल फंड हाउस की हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एक स्कीम है एल फंड सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाली म्यूचुअल फंड स्कीम स्कीम है डायनेमिक एसेट एलोकेशन यानी वो जिसमें फंड मैनेजर्स के पास आजादी है इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की और इसके साथ उन्हें आजादी है शेयर बाजार में एलोकेशन बढ़ाने की और कम करने की यानी जब फंड मैनेजर्स को लगता है कि शेयर बाजार हो गया है महंगा तो वो प्रॉफिट बुक करके पैसा डाल देते हैं डेट बॉन्ड्स या बैंक एफ में और जब उन्हें लगता है शेयर बाजार है सस्ता वो इक्विटी में अपना एलोकेशन बढ़ा देते हैं एल आई सी बैलेंस एडवांटेज फंड के फंड मैनेजर्स भी यही डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं अप्रैल 2024 में इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन था 51 वन परसेंट बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में इस फंड का एलोकेशन था ट्वेंटी और तकरीबन ट्वेंटी एलोकेशन था कैश में इस फंड के इक्विटी एलोकेशन का 91% परसेंट है लार्ज कैप स्टॉक्स में 5% परसेंट है मिड कैप स्टॉक्स में और 4% परसेंट है स्मॉल कैप स्टॉक्स में क्या रिटर्न्स दिए हैं इस फंड ने अपनी फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के द्वारा एल बैलेंस्ड बैलेंस एडवांटेज फंड का एन नवंबर दो में आया था इस फंड ने अपने एन इन्वेस्टर्स को 8.67 परसेंट के एनुअल रेट से रिटर्न्स दिए हैं इस फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 15.06 परसेंट का रिटर्न दिया है जी हाँ पिछले एक साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 15 परसेंट का रिटर्न दिया है अब आप पूछेंगे मनीष जी ये तो हो गई एल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में जानकारी पर आपने कहा था ये वीडियो है एल म्यूचुअल फंड के रेगुलर इनकम प्लान पर तो आइए अब आपके इसी सवाल का आंसर दिए देते हैं इस फंड में इन्वेस्ट किए गए अमाउंट का 12 परसेंट आप विड्रॉ कर सकते हैं बिना कोई एग्जिट लोड दिए किसी भी समय जी हाँ यदि आपने इस फंड में एक लाख रुपया लगाया है तो आप बारह हजार रुपए कभी भी निकाल सकते हैं बिना कोई एग्जिट लोड दिए इस फंड का दूसरा एस्पेक्ट है कि इस फंड में सारा पैसा शेयर बाजार में नहीं लगा हुआ जैसा कि हमने पहले देखा एयूएम का फिफ्टी ही शेयर बाजार में इन्वेस्टेड है यानी इस फंड में शेयर बाजार से कम उतार चढ़ाव है क्योंकि ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है यानी स्कीम से पैसा कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है आप इस स्कीम में एसडब्ल्यू पी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के माध्यम से हर महीने कुछ पैसा विड्रॉ करके एक रेगुलर इनकम पा सकते हैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मान लीजिए आपने एल के बैलेंस एडवांटेज फंड में दस लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो एल आई म्यूचुअल फंड आपको हर महीने सात हजार रुपए तक की इनकम लेने का अवसर देता है जी हाँ आप सात हजार रुपये हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी एग्जिट लोड को पे किए यानी साल भर में तकरीबन साढ़े आठ परसेंट का एनुअल रिटर्न जो आप पा रहे हैं एक मंथली इनकम के माध्यम से और क्योंकि फंड का कुछ पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्टेड है तो हो सकता है साल भर बाद आपके दस लाख रुपये की वैल्यू भी बढ़ जाए यानी एक रेगुलर इनकम भी और मूल में वृद्धि भी पर याद रखें म्यूचुअल फंड में ग्रोथ की कोई गारंटी नहीं है जरूरी नहीं है कि एल आई सी बैलेंसड एडवांटेज फंड किसी भी साल में पॉजिटिव रिटर्न ही थे पर हिस्टोरिकली एल आई सी बैलेंस एडवांटेज फंड ने आपको आपकी बैंक एफ डी और एल आई सी की गारंटीड रिटर्न वाली पॉलिसी से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं कितना इन्वेस्टमेंट हो आपका एल आई सी बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या रेगुलर इनकम पाने के लिए कोई और भी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम है कैसे इन्वेस्ट किया जाए इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ताकि आपका प्रिंसिपल थोड़ा बहुत ग्रो भी करता रहे और आपको रेगुलर इनकम भी आती रहे इस सारी जानकारी के लिए हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं हमारे चैनल पर उन वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए आज ही जेड फंड डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और अधिक जानकारी के लिए आज ही जेड फंड डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से जेड फंड जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली